प्रदेश में अनेकों जनहित योजना जारी है और इन योजनाओं को लेकर जहां अधिकारी वर्ग द्वारा सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है, प्रदेश शासन द्वारा स्कूलों में ग्रामीण या दूरदराज के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई हैं। छात्र छात्राओं द्वारा ग्रामीण अंचल के दूरदराज से छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल आने जाने में उन्हीं साइकिलों से स्कूल आता जाता देख सुखद तस्वीरों को हमारी मीडिया टीम ने कैमरों में कैद किया और वहीं शासन के इस जनहिती कार्य योजना का सदुपयोग होते देखा तो उसकी प्रशंसा भी दिखाई, क्योंकि मीडिया का काम है जो सत्य है सच है उसी को दिखाया जाए। सदैव पॉजिटिव चीजों को लेकर चलना चाहिए, नकारात्मकता से सदा लोगों का नुकसान होता है तो वहीं सकारात्मकता से लोगों के जीवन में नई सोच और नेक उद्देश्य और आस जागृत होती है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की जनहित रोजगार ऑन पर विशेष मीडिया कवरेज। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ऋतिक प्रजापति। ऋतिक कहाँ रहते हो? सबदलपुर। जहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से वो चार एकड़। पढ़ने कहाँ जाते हो? शेरखेड़ा। ये जो साइकिल है ये सरकारी साइकिल है? हाँ। स्कूल से मिली थी? हाँ। तो इससे तुम्हें फायदा होता है? हाँ। रोज पैसे नहीं लगते किराए के? इधर बसें चलती हैं? चलती है। लेकिन तुम्हें आने जाने के लिए ये साइकिल मिली है सरकार से, कब मिली थी? छठी में मिली थी। अब कौन सी क्लास में आ गए? आठवीं में। मतलब 2 साल के बाद भी तुम्हारे पास साइकिल अभी सुरक्षित है और तुम आ रहे जा रहे हो, है ना? ठीक है बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? रक्षा नाम है। कहाँ रहती हो? ढिमरोली। पढ़ने कहाँ जाते हो बेटा? शेरखेड़ा। ये जो साइकिल आपको मिली है ये सरकार से मिली बेटा? हाँ। कब मिली थी? 9th क्लास में। आप कौन सी में आ गई? 9th में। अभी 9th में ही हो, मतलब 1 साल हुआ है आपको मिले हुए, शुरू में मिल गई थी। तो अभी साइकिल भी अच्छी है और तुम्हें जाना आना पड़ता है इससे, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। पैदल नहीं जाना पड़ता है ना? कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर होगा। तो सरकार को तुम कुछ बोलोगी, धन्यवाद दोगी? सरकार ने जिसने तुम्हें साइकिल दी है उनका धन्यवाद है। ठीक है, और बच्चों से जानेंगे। बिटिया तुम्हारा क्या नाम है? रौनक। तुम्हें भी ये साइकिल सरकार से दी है? हाँ। आज बड़ा अच्छा लगा जब ये सरकार की दी हुई साइकिलों का बच्चे सदुपयोग कर रहे हैं और स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहोगे बेटा ये सरकार के लिए जो सरकार ने तुम्हारी मदद की है? धन्यवाद। लेकिन कुछ जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ पर साइकिलें जो शासन की ओर से दी गई थी वो बच्चों को चलाते हुए जब देखा गया हमारी मीडिया टीम के द्वारा, तो हमें बहुत खुशी हुई कि मध्य प्रदेश शासन ने जिन बच्चों की जिस मंशा से मदद की थी, साइकिलें वितरित की थी, वो मंशा पूर्ण हो रही है और बच्चे अपने भविष्य की ओर उन साइकिलों से बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा काम है, तो बच्चा बच्ची को उससे कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि पैदल आने में बहुत समस्या आती थी। शासन की बहुत ही सुंदर योजना है और भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ऐसी अनेक योजना है। छात्रवृत्ति दी जा रही है, मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, बहुत और मंगलवार शनिवार को मध्याह्न भोजन में खीर पूरी का वितरण किया जाता है। तो ये शासन की बहुत ही सुंदर योजना है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रही है। इसके लाने मोहन यादव जी और विधायक आदरणीय उमाकांत जी भाई साहब भी बहुत ही इसके धन्यवाद के पात्र हैं। सर एक चीज़ और जानना था, ये तो स्कूल और छात्रों की रही बात, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जो साधनों से अभी तक संपन्न नहीं हो पाए हैं, जहाँ कुछ गरीब लोग होते हैं, जहाँ बसों की आवश्यकता है, आवागमन में उनके गांवों में बसें नहीं पहुँचती, कुछ 8-10 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ता है। ऐसी जगह के लिए, ऐसे रास्तों के लिए क्या परिवहन विभाग की ओर से कोई परमिट ऐसे जारी किए जाएंगे कि छोटे वाहन वहाँ किराए के चलाए जा सकें? अभी आदरणीय मोदी जी ने इसमें ये भी कहा है कि अभी जो 250 तक जनसंख्या के जो कस्बा मजरा टोला रह गए थे, छोटे गांव, उनमें भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कें बनेंगी और मुख्यमंत्री सड़क योजना से भी गांव में सड़कें बनाई जाएंगी। बाकी कुछ जगह पंचायत की तरफ से भी ग्लेवल रोड बनाए जा रहे हैं और शीघ्र ही ऐसा लगता है कि 1-2 साल में जो भी मजरा टोले हैं उन सब में डामर की सड़कें बन जाएंगी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत और मुख्यमंत्री जी सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बने जाएंगी। सर सड़कें तो हैं लेकिन साधन नहीं है। साधन नहीं है तो इसके लाने भी ये शासन स्तर से इसमें भी व्यवस्था करी जाएगी कि जो छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ सारे कुछ व्यवस्थाएँ करी जाए ताकि बच्चों को कुछ वाहनों को परमिट इशू किए जाएँ ताकि वो सवारियों का आवागमन कर सकें। सवारी आएंगी, दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है सर, धन्यवाद।